खिरनी में खेत में बकरी जाने के विवाद में दो सगे भाइयों में जमकर हुई मारपीट, दांव से 12 वर्षीय बच्चे पर हमला, दोनों पक्षों की लड़ाई में कई घायल, पूरा रिपोर्ट देखें। पश्चिम कर्मलंग जिले के खिरनी थाना अंतर्गत छोटा माटीखोला गांव में बाबूलाल चौधरी के खेत में बकरी जाने के विवाद ने गंभीर रूप धारण कर लिया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों सगे भाई बाबूलाल और रामविलास चौधरी के घर वालों के बीच हुई मारपीट के दौरान तेज धार हथियार दांव से 12 वर्षीय बच्चे के गाल पर हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं बच्चे के गाल जो है दांव से कटा हुआ है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं एक मामूली से बकरी और सीमा विवाद में दो सगे भाइयों के परिवार वालों के बीच किस तरह से मारपीट हुई है, जिसमें 12 वर्षीय लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया है। कौन मारा है आपको? मुझे बाबूलाल चौधरी ने मारा है और उसके बेटा ने। क्या से मारा है आपको? दांव से। क्या लोग था आपको मारने में? और बाबूलाल और उसका बेटा और उसका पत्तो भी। क्यों मारा? झगड़ा किया था उसका खेती में, मेरा बकरी चला गया तो काट दिया मुझे दांव से। दांव से काट दिया? हाँ। बारह वर्षीय लड़की के साथ बाबूलाल चौधरी और गजेंद्र चौधरी को भी चोटें आई है। दोनों पक्षों की तरफ से खिरनी थाना में मुकदमा दर्ज कराने के बाद खिरनी पुलिस जांच में जुटी है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम हेडलाइंस न्यूज। क्या हुआ था? बकरी खोल के हमारे लिए कर ले जाते रहे है ना, तो उन्हें से बाबूलाल आवाते रहे है ना, तब बकरी डरे उनकी खेती में भाग गए। भागल तो का कहलन कि लड़का के गाड़ी देख मारल शुरू कर लिया, तो हम बात सुन के गोनी तलक दाव चला गया लड़का पर। लड़का गिर गए, हम ओके उठावत नहीं, तो ओकर लड़का पतो ये सब मिल के हमरों को मारे लगल सर, तो लोग लड़की गई सर तो लड़की नो के मारे लगल सर। लड़का कैसे कर गाल बाबूलाल दाव से कटल उनको के चोट आएल उनको कटाइल उनको लड़का के भी कटाइल बारे में कहता एक बारे में उनका अपना हाथ से कोई ले पहले आपके बच्चे का मर ले। हाँ। बाबूलाल का लगा था भाई? बड़ भाई ना छोट भाई? बड़। हाँ। कब से भी बात चला था ये? आज हमने के 4-5 महीने से होता है। अभी गाँव में हमने के दोनों बेकत रहे जब तब वो एक देर लैके या होके रहला सब दोनों, तो वो कनियों के लोग मरले रहे। फिर गाँव से नहीं जब तब फिर है लड़की के मरले रहला केस देने जब तक लोग राज बिटुरा के कहते केस उठा लेंगे ओके। बाकी पंचनामो बनल कि जे आगे झगड़ा करी ओकर पर 5,001 रुपया फाइन, तो आखिर तो आज तू वह आगे झगड़ा कर ले बना ना मर ले बोला। क्या मांग करते हैं सरकार पुलिस प्रशासन से? अरेस्ट हो ना ओके? हम तो कहना बाकी पुलिस से कि भाई हमके ओके चलान कर। नाम क्या है और क्या घटना हुआ था आप लोगों के साथ बताइए? 3 बजे घटना। क्या घटना हुआ था? आम गया खेती घूरने, तो खेती में देखता है कि लाल बाबू का बवारी थोड़ा सीमा करता रहा, हम देख के आ गया तो ले बकरी लेकर रामविलास के लड़का अमित जाता है। हम बोला है कि बाबू है कि मर्चा इधर उधर करता है, खिला देता है, रास्ता है ये है एम ये कहे के ले जाता रहे, तो कहता तार बेटी छो तो बोलो बाबू, तो हम लोग का ऐसा होता है। तो ले वो उसका दूठो बहिन आराम बेला से लोग पहुँच गया, ये बातचीत चलते में तो ले हमारा दाव लग गया, यहाँ लाठी लग गया। तो बाबा आला से उनके कहा जाने लड़का ही गजेंद्र कहाँ से दौड़ कर आया, वो बता लो। दौड़ कर जब आया है तो मैंने हमारा का रामविलास का लड़का का जो है मुंह पे दाव लगा है, कैसे लगा है जरा बताइए? वो दाव लगा है जैसे जो हमारा का तो काट दिया लो। कौन काटा आपको? रामविलास। फिर हमारा वो लड़का का यहाँ में एक दाव दे दिया, फिर दाव हमारा लड़का पर चला है, तो हमारा लड़का इधर उधर अपना शरीर खींच लिया है, वो दाव उसका लग गया। रामविलास का लड़का का जो लगा हुआ है? हाँ, रामविलास वही दाव से लगा है। रामविलास का हाथ। आपका नाम क्या है? बाबूलाल चौधरी। मेरा नाम है गजेंद्र यादव और मैं धान लगाने जा रहा था शाम 3 बजे के टाइम पर, और मतलब आधा रास्ते में चला गया था और इधर से थोड़ा हल्ला सुना और
कुछ झगड़ा हुआ था बकरी के लेकर और पापा को मार रहे थे, तब मैं दौड़ कर आया तो फिर मुझे भी मार दिए दांव से। मैं जैसे तैसे पापा को बचाया और वो लोग पांच जन थे और मुझे ठीक से मारे हैं। कौन मारे? राम विलास मारे हैं, उनका दो लड़की एक लड़का एक और सोनिया भी मारी है, लाल बाबू का लड़की। मरचा खेती में बकरी खा रही थी, इसी बात के लेकर झगड़ा हुआ। आपका बकरी से? नहीं, राम विलास का। क्या लगता है आपको? चाचा कब से विवाद चल रहा है, कब से झगड़ा चल रहा है? एक महीना पहले आम के लेकर झगड़ा हुआ था, और छोटा बच्चा हम लोग का घर के खाने गए थे, हम लोग का साइड में आम का डाल आया था, वो लोग गाली दिए थे, तब झगड़ा हुआ था। फिर अभी एक महीना पीछे बकरी को लेकर झगड़ा हुआ है। आगे तो हम नारनी है, आगे हमारा लड़का इनके मरले रलास नहीं है नी। अब ओकरा पीछे केस बल तो उठा ले लो, अब फिर हमारा लड़का कल के कोटली बार सुन हम तो रहनी है ना। कौन मारा था आपको? हमारा लड़का को उसका बाबा मारा है। जैसे कि लोग साल में दो साल हो चाहे चार साल पाँच साल हो ना, आज सात साल पहले हमारे दो बच्चा को, एक हमारे राजभर है और हमारा एक बच्चा है, तो गांव में लोग ऐसा ही करेगा तो कैसे चलेगा? आज उनको लड़का मारेंगे, कल हमारा लड़का मारेंगे,